नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में भारी उथल पुथल है और सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता और प्रधानमंत्री बाउबो सीसे को बंधक बना लिया है। इसके बाद राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से हटने का ऐलान किया। राष्ट्रपति के पद से हटने की मांग को लेकर के देश में काफ़ी दिनों से प्रदर्शन चल रहा था और इसके बाद ही विद्रोही सैनिकों ने आक्रामक रुख अख्तियार किया। शाम के समय उन्होंने सरकारी दफ्तरों पर सबसे पहले कब्जा किया और इसके बाद राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को अपने कब्जे में लिया। राष्ट्रपति से चूंकि ज़्यादा नाराजगी थी, इसलिए राष्ट्रपति ने तत्काल अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए संसद भंग करने का ऐलान किया। देश में इससे पहले 2012 में भी तख्तापलट हुआ था। इससे तख्तापलट की कोशिशों में कई समानताएँ बताई जा रही है। विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति आवास को पहले घेरा और तख्तापलट की संभावित कोशिश के तहत हवा में गोलीबारी करते हुए उन्हें और प्रधानमंत्री को बंधक बनाया। बमाको जो वहाँ की राजधानी है, सड़कों पर सैनिक खुलेआम हथियार लेकर घूमते भी दिखे। तस्वीरों से और स्पष्ट हो गया है कि राजधानी में उनका नियंत्रण हो गया है। माली का सरकारी टीवी चैनल भी बंद हो गया है। एक क्षेत्रीय अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को शाम को ही बंधक बना लिया गया था कल, और राजनीतिक संकट अचानक बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र और पूर्व उपनिवेश फ्रांस, यानी फ्रांस का ये उपनिवेश रहा है, दोनों देश की स्थिरता का माहौल बनाने के 7 साल के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सैनिकों के कार्यों की सराहना की है। कुछ ने एक इमारत में आग लगा दी, जो बताया जा रहा है कि माली के न्याय मंत्री का है। प्रधानमंत्री सीसे ने सैनिकों से हथियार डालने का आग्रह किया और उनसे सबसे पहले देश के हित में सोचने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान बातचीत के जरिए नहीं हो सकता। इससे पहले दिन में सशस्त्र लोगों ने वित्त मंत्री अब्दुल्लाह दफे समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को हिरासत में लिया था। इसके बाद सरकारी कर्मी अपने कार्यालयों से भाग गए थे। माली के आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसे लेकर अभी संशय की स्थिति है। और लोकतांत्रिक रूप से जो चुना गया था राष्ट्रपति को, उन्हें पूर्व उपनिवेशवादी फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों से व्यापक समर्थन है। इसकी वजह से भी विद्रोही सैनिकों में नाराजगी है। अमेरिका ने कहा है कि वह माली में बिगड़ती स्थिति को लेकर चिंतित है। विदेश विभाग के विशेष दूत जे पीटर फॉर्म ने ट्वीट किया, अमेरिकी सरकार अभी सभी संवैधानिक परिवर्तनों के विरोध में है, चाहे वो सड़कों पे हो या सुरक्षा बलों द्वारा हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम लोगों का विद्रोही सैनिकों को क्यों समर्थन मिल रहा है। दरअसल मई से ही राष्ट्रपति को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उस समय देश की सर्वोच्च अदालत ने विवादित संसदीय चुनाव के नतीजों को पलट दिया था। इससे पहले 2012 में भी देश की सेना ने सफलतापूर्वक तख्तापलट किया था। अमेरिका के साथ ही रूस, फ्रांस समेत कई देश माली के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या यूएन को, अमेरिका को इंटरफेयर करना पड़ता है या कोई सोल्यूशन निकलता है? जैसे ही अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और...